डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मीडिया का काम यूं तो समाचारों को निष्पक्ष तरीके से पब्लिक तक पहुंचाना रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। देश का मीडिया भी दो भागों में बंट चुका है। देश के विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन ने हाल ही में हुई बैठक में ये फैसला लिया है कि वे अपने प्रवक्ता को उन चैनलों में नहीं भेजेंगे जो देश में नफरत व विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन या तो संबंधित टीवी चैनल का ही बहिष्कार करेगा या फिर चैनल के ऐसे एंकर से दूरी बनाकर चलेगा। सूची जारी होने का असर ये हुआ कि अधिकांश चिन्हित पत्रकार सोशल मीडिया पर आए और सभी ने एक सुर में कहा कि सवाल पूछे जाने से विपक्ष घबरा गया, लेकिन वे निरंतर विपक्ष से सवाल ऐसे ही पूछते रहेंगे। भाजपा ने भी किसी पत्रकारिता पर हमला करार दिया है, वहीं विपक्ष ने जवाब दिया है कि सवाल से कोई गुजरे नहीं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को निशाना बनाते हुए सवाल किए जा रहे हैं, एक बार पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से भी वैसे ही सवाल कर लें तो पता चल जाएगा। बीते दिवस चिन्हित पत्रकारों की लिस्ट आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने जारी करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। सुधीर चौधरी ने ऐसे पत्रकारों की एक सूची भी ट्वीट की है, इनमें 14 पत्रकार शामिल हैं। सुधीर चौधरी को इस लिस्ट में 13वें स्थान पर रखा गया है। इसे लेकर भी यूजर्स ने तमाम कटाक्ष किए हैं। हाल ही में दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई इंडिया की बैठक के बाद एक साझा प्रेस नोट जारी किया गया। इसके मुताबिक इंडिया की समन्वय समिति ने ऐसे टीवी एंकर्स के नामों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है जिनको शो में मीडिया गठबंधन ने नेता नहीं जाएंगे। यह संभवतः पहली बार है जब विपक्षी दलों ने सत्ता की तरफदारी करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाने का फैसला किया है। इसके तहत कुछ टीवी चैनलों का पूरी तरह से बहिष्कार होगा और कुछ चैनलों के सिर्फ एंकर। इस पर आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने एक लिस्ट ट्वीट की है। राकेश रंजन नामक यूजर लिखते हैं कि देश ने तो आपको पत्रकार मानने से ही इनकार कर दिया है। गणेश तिवारी लिखते हैं कि चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। चौधरी जी आप हिल गए हैं, आपको चरण चुंबक बनने के लिए ही बॉयकॉट किया गया है। मुझे लगता है पहले FIR और अब बॉयकॉट, दो दिन में दो बड़े झटके आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आओ भाव लिख रहे हैं। सुधीर भाई उप भाजपा के चरण चुंबक जी। धर्मेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि रोइये मत, चरण चुंबक तो आप भाजपा के हो तो स्वाभाविक है, कांग्रेस चरण चूमने भी नहीं देगी। और धमकी क्या दे रहे हैं, इंडिया क्या जवाब देगी। पिछले 11 सालों से मीडिया तो हाथ धोकर कांग्रेस के पीठ में फेक न्यूज के छुरे घोंप रही है। स्नेहा सैनी लिख रही हैं कि आज देख लो देशवासियों, देश के सच्चे देशभक्त पत्रकारों की लिस्ट जारी हुई है, जो डरे नहीं पीके नहीं, जो सस्ता वो दिखाया है, इसलिए INDI अलायंस ने इसका बहिष्कार किया है। अनुराग कनौजिया लिख रहे हैं कि सीरियल नंबर गलत है, आपका पहला होना चाहिए था। वहीं शिवम कुमार लिख रहे हैं कि तुम्हारी TRP जल्दी ही जीरो होने वाली है, बधाई तिहाड़ी। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि भारतीय मीडिया की तो बात ही ना करो, दुनिया में 161वें नंबर पर है, अब तुम्हारे मालिक लोग खुद तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कंचन यादव लिखते हैं कि 9 साल देश का बदहाल करने वाले प्रधानमंत्री जी से एक भी सवाल न करने वाले एंकर आज प्रेस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो हंसी आ रही है। अरे चरण चुंबको, क्या कभी मोदी जी का तुमने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की? जब तुम लोगों को मोदी जी आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं, मोदी जी मोर को दाना कैसे खिलाते हैं? मोदी जी का करना है तो करो। अब
तो तुम लोग आजाद हो गए हो। दिन रात मोदी जाप करो, बस ध्यान रहे कि फर्जी खबर चलाकर नफरत फैलाने का काम किया तो गठबंधन की सरकारें जहां जहां हैं वहां डेमोक्रेसी जिंदा है, वहां की पुलिस पकड़कर रेल देगी। साहिल लिखते हैं कि क्या जमाना आ गया है। एक समय था जब पत्रकार सरकार के खिलाफ डटकर खड़े रहते थे कि कहीं सरकार गुमराह ना हो जाए, और आज विपक्ष के सामने डटकर खड़े हैं कि कहीं विपक्ष सरकार में ना आ जाए और सरकार में जो है वो नाराज ना हो जाए और खुद को पत्रकार कहते हैं। वहीं कुंवर अजय प्रताप सिंह कह रहे हैं कि जब विपक्ष में हैं तब पत्रकारों पर बैन लगा रहे, सत्ता में आ गए तो पत्रकारिता पर ही बैन लगा देंगे। जिनकी दादी ने प्रेस पर बैन लगाया वे पत्रकारों पर भी बैन लगा रहे। राजकुमार को सवाल पूछने वालों से नफरत है, सिर्फ चरण चुंबक पसंद है। उधर जाने माने पत्रकार रविश कुमार ने कहा है कि 7 साल बहिष्कार झेला है, 7 घंटे भी नहीं हुए। ऐसा लग रहा है कि कल प्रधानमंत्री पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देंगे प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए, जहां ये सारे लोग सवाल पूछते नजर आएंगे। इसके बाद ये सारे लोग सना इरशाद मट्टू से इसके लिए माफी मांगने भी जाएंगे। फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मारे जाने के बाद 2 शब्द नहीं कहा गया। किसने नहीं कहा, क्या आप उसका नाम जानते हैं? मनदीप पूनिया का पेज रोकने के लिए नोटिस किस सरकार ने भेजा था? क्या आप जानते हैं गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है? विपक्ष को अपनी हर रैली में जनता को बताना चाहिए, अगर वह यह काम नहीं करता है तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, यह अपडेट आपको कैसा लगा इस पर कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार।